कैन सर? यस यस, कम इन, आइए आइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मिस्टर राकेश, यस, आप इंटरव्यू बोर्ड को अपने बारे में कुछ इस तरह से बताइए, मतलब तो अपना परिचय दीजिए, और जिसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड को यह ज्ञात हो जाए कि यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर ऑडिटर। और मैंने अपना मैट्रिकुलेशन पटना DBR के जलानी इंटर स्कूल से पूरा किया है। इसके साथ ही मैंने अपना ISC ओरिएंटल कॉलेज पटना से ही पूरा किया है। तत्पश्चात इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन BCOM ऑनर्स के साथ DDE पटना यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। उसके बाद मैं काफ़ी प्राइवेट कंपनी में काम किया। वर्तमान में मैं लोक बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा पे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में लेखा असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आप वर्तमान समय में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं, PhD में हैं? यस सर। ये PhD डिपार्टमेंट का मेन मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? अपने विगत वर्षों में सर इसने बहुत सारा काम किया, जैसे जहाँ पे लोगों को पानी नहीं पहुँच पाता था वहाँ पे विषम परिस्थितियों में इसने पानी पहुँचाने का कार्य किया। वर्तमान में जो इसका सबसे प्रमुख लक्ष्य है, जो हमारे बिहार के पहाड़ी एरिया जहाँ पे लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, साफ़ तो क्या सर पानी भी नहीं मिल पाती है, वहाँ पे इन्होंने अपने नलजल के थ्रू एक स्कीम इन्होंने लगाया सात निश्चय पार्ट 1 के तहत, और उसमें इन्होंने उन सारे विरल परिस्थितियों में और पहाड़ी इलाकों में लोगों को साफ जल मुहैया करने का सबसे प्रमुख कार्य किया है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं पहाड़ी एरिया में ना जलापूर्ति, ये कौन सी योजना थी? ये सर सात निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल की योजना है सर, जिसके तहत जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तो पानी में थोड़ी सर सुलभता हो भी जाती है, पर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे हमारी पानी की वाटर स्टोरेज कम है, पानी कहाँ से ले जाया जा रहा है उसमें सर, जहाँ पे पानी की स्टोरेज नहीं है या फिर वाटर डिस्चार्ज काफ़ी लेवल नीचे है, वहाँ पे सरकार अपने माध्यम से वो वहाँ पे बोरिंग करती है और उसको काफ़ी, अगर गंगा उद्वा योजना के बारे में सुना होगा? यस सर। वो कैसे संचालित हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है? ये भी सर PhD के माध्यम से ही हुआ है, जिसमें PhD का सहयोग रहा है, पर ये उसके माध्यम से नहीं रहा है सर, विस्तृत रूप में इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, इतना मुझे पता है सर कि ये ला करके गया में इसको लाया गया है। कोई बात नहीं है। यस। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अभी PhD डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, है ना, असिस्टेंट अकाउंटेंट? यस। अच्छा अच्छा, आपका काम क्या रहता है? सर वहाँ पे मैं विभागीय तौर पे जो भी हमारा सर GST होता है, विभागीय जो भरी जाती है, या फिर इनकम टैक्स होता है जो काफ़ी सर जिसमें अनियमितता बरती जाती थी, वहाँ पे हमारा मुख्य रूप से काम है सर ये समय समय पे फिल करवाना, इसकी मॉनिटरिंग करना, और सारे पैसे सरकार के खातों में सुनिश्चित हो रहे हैं कि नहीं, उसका मुख्यालय को सर समय समय पर रिपोर्ट करना, उनको बताना। तो काफ़ी अनुभव आपको हो गया होगा? हाँ सर, मैंने काम तो किया है सर। तो अगर आप PhD डिपार्टमेंट को छोड़कर आप इधर पंचायत ऑडिटर बन जाते हैं? यस सर। तो आपके बिना वहाँ काम में कई समस्याएँ होंगी इस डिपार्टमेंट में? सर समस्या अनियमितता आपने बताया कि बहुत अनियमितता थी, उसको आपने अच्छे से दुरुस्त कर लिया, अब छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा डिपार्टमेंट? नहीं सर, डिपार्टमेंट तो बगैर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे से नहीं रहूँगा तो वहाँ पे मेरे जगह पे कोई नहीं आएंगे, जो आएंगे सर वो उस कार्य को संचालित करेंगे सर। ठीक है, बताइए तब फिर आप क्यों ऑडिटर बनना चाहते हैं, क्या आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा है या क्या आवश्यकता है कि आप चाहते हैं कि आप ऑडिटर बने? सर चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी सर अकाउंट सेक्शन से ही रहा है, और शुरू से मैंने जहाँ भी प्राइवेट कंपनी भी अगर काम किया है तो एज ए अकाउंटेंट ही वर्क किया है, और वर्तमान में भी सर मैं अकाउंट्स के तौर पे ही काम कर रहा हूँ, और मुझे सर इसमें मज़ा आता है। मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पे अंक में क्या है नहीं है, और ये मुझे ऑडिटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा सर, और मैं मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सुनिश्चित रूप से इसकी भागीदारी निभा सकता हूँ। अच्छी बात है। अच्छी, बताइए जब आपका पंचायत ऑडिटर के रूप में आपकी नियुक्ति होगी तो आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा? अगर सर मुझे इस तरह का मौका दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो जहाँ कहीं भी मेरी नियुक्ति होगी सर, जो मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि ब्लॉक स्तर पर मेरी नियुक्ति की जाएगी, वहाँ पे सर जो पंचायतों में जो केंद्र सरकार के थ्रू पैसे आते हैं
और उनकी मॉनिटरिंग करना, जो उन्होंने खर्च किया है हर साल पे, और उसकी मॉनिटरिंग करना कि वो जिस पर्पज़ से दिया गया था पैसा वो सही मद में खर्च हुआ है या नहीं, या वो जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, वो उसकी सर निरीक्षण करना सर। आपका अपना पर्सनल जो है वो स्पेसिफिक स्टेप क्या होगा इस कार्य को करने में? सभी लोग इस काम को करेंगे जितने भी पॉइंट होंगे, आपका क्या होगा स्पेसिफिक, कुछ एक्स्ट्रा बताइए जो आप करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वो जो भी सरकार के थ्रू पैसा आया है वो किस किस स्कीम के तहत और कहाँ आया है, तो सब करेगा इसका। और वो जब मुझे उसकी जानकारी हो जाएगी तो मैं अगला स्टेप ये उठाऊंगा कि आखिर सरकार ने खर्च करने के लिए किस मद में दिया था, तो सब ये डाटा सं ये सर ये डाटा संकलित करने के बाद मेरा मेन वर्क सर शुरू होगा, जहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँगा और उससे रिलेटेड जितने भी संबंधित कागजात होंगे उन पे एक बार देखूंगा कि वो मैच कर रहा है या नहीं, और तब उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे उसमें सटीकता बरती गई और कहाँ पे अनियमितता बरती गई। ये तो सब करेगा, सारे ऑडिटर करेंगे उसका। बिल्कुल सर, आप क्या करेंगे अलग से? मैं अलग से सर इतना ही करूंगा कि उसको सर कोशिश करूंगा कि अपने जो भी कलीग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उसको सटीकता से। क्या होता है ऐसा, आप अभी बता रहे हैं कि जो पैसे आए हैं वो कहाँ खर्च हुए, किस मद में खर्च हुए, या कहीं अनियमितता तो नहीं बरती गई है ना? अगर आप ऑडिट करेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत लोग विरोध भी करें, प्रेशर भी डाला जा सकता है आपके खिलाफ, बहुत सारे लोग हो जाएंगे वहाँ पर, दुश्मन हो जाएंगे बहुत सारे लोग आपके, दिक्कत होगा आपको। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, हम हर जगह ये नहीं कह सकते हैं कि लोग सच का साथ नहीं देते हैं। अगर लोगों में जानकारी का अभाव होगा तो वो भले मेरी बुराई करे या मेरे पीछे मेरी शिकायत करे, मेरे बड़े अधिकारियों से करे, लेकिन सर मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर मैं सच्चाई को सामने रखूँगा या जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं मैं उनको सही सही बताऊँगा कि हाँ यहाँ पर ये है और ये चीज़ होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो सच जानने के बाद मेरे साथ ही देंगे। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में पंचायतों के ऑडिट किए जाने का प्रावधान है? 280 सर, अनुच्छेद 280 कंफर्म है शायद सर, वित्त आयोग है। यस सर, पंचायतों का। अच्छा 243J सर, सॉरी सर। ठीक है। जैक हम लोग जहाँ तक समझे हैं गांव में एक ग्राम सभा होती है। यस सर। ना क्या वार्ड सभा भी होती है? सॉरी सर, इसके बारे में सुना नहीं है। कितने सब्जेक्ट पंचायतों को दिए गए हैं? 29 सर। 29, ठीक है। एक चीज़ और बता दीजिए आप, जो आपने सरकार के पैसे की बात आपने किया, तो गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक का जो पैसा है उसमें कौन कौन से फंड होते हैं, कौन कौन सी निधियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ पैसा रहता है? सर गवर्नमेंट के फंड, एक तो सर संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, और एक बजटीय रुपीस होती है जो सरकार अलॉट करती है पब्लिक अकाउंट अकाउंटिंग। यस यस, ठीक। अभी आप फाइनेंस की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूँगी सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है पंचायत का? मैम वहाँ का जो लोकल मेला होता है, और अगर वहाँ पे कुछ टैक्सेशन होती हैं जो वहाँ के नाली पे या कुछ किसी भी चीज़ पे होती है, तो इस प्रकार के टैक्सेशन जो ग्राम ही वसूलती हैं और उन्हीं के पास रहता है। क्या स्टेट से भी फंड मिलता है इनको? स्टेट से फंड सेंट्रल से मिलता है मैम। स्टेट से या सेंट्रल से? सेंट्रल से मैम। सेंट्रल से, चलिए आपके साथ से सेंट्रल से। मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या क्या है? मैम स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा है मतलब अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना, क्योंकि सर मैम मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 2009 में मैम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने विभिन्न कंपनियों में काम किया और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी काम किया, लेकिन अब मेरा लक्ष्य ही था शुरू से सिविल सर्विस में जाना, इसलिए मैं उसमें जॉब करने के बाद भी इससे जुड़ा रहा और जिस वजह से आपके सामने मैं आज हूँ। और वीक पॉइंट की अगर बात करें तो? वीक पॉइंट मैम मेरा जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ ये लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में मैं थोड़े समय के लिए थोड़ा अपना धैर्य खो बैठता हूँ, इसी वजह से मैं नौकरी में चला गया और मुझे यहाँ तक आने में थोड़ी लेट हुई। मैं आपकी हॉबी से पूछना चाहूँगी, आपकी हॉबी क्या क्या है? मैम मेरी हॉबी है जो मेरे जूनियर कैंडिडेट होते हैं, जहाँ मैं
क्लासेस करता था जहाँ मैं मिलता हूँ अभी भी लोगों से मिलता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने जूनियर कैंडिडेट को देता था वो कहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें बताना कि ये गलती मत करो, ये गलती मैंने भी की है, उन्हें सजग करना, और जो ज़रूरतमंद मुझे जहाँ तक लगते हैं, जहाँ तक मुझसे संभव हो पाता है, उनकी मदद करना। लेकिन अभी आपने वीक पॉइंट में कहा कि आप विपरीत परिस्थितियों में भटक जाते हैं, yes, तो फिर हॉबी में आप हो सकता है जूनियर को भी भटका दें। मैं हाँ बिल्कुल, जूनियर भी कहेगा कि भैया आप तो खुद भटक गए थे। मैं उन्हीं चीज़ों से उनको आगाह करना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग मत करो, जिससे अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त कर सको। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अब वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन मिलता है पंचायती राज में, ये करने वाला पहला स्टेट कौन सा था और कब किया था उसने? मैम बिहार ने ये किया था, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था पंचायती राज में, और ये पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था। मैम कि जो इतना रिजर्वेशन दिया गया है 50% सीटें रिजर्व हैं, क्या लगता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ चुकी है बिहार में वुमेन के केस में? महिलाएं मैम मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक अभी भी कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि आए दिन हम पेपर में कभी मुखिया पति और कभी कुछ पति का नाम सुनते हैं, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा धूमिल हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो जहाँ पे महिलाओं को काफ़ी पिछड़े नज़रिए से देखा जाता था और उनकी स्थिति एक घरेलू महिला तक सिमट के रह गई थी, और ये अब काफ़ी इससे जागरूक होकर के और राजनीति से लेकर समाज के क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी सजग भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, और निभा रही हैं, लेकिन रियल मायनों में कैसे आएगी एम्पावरमेंट? मैम रियल मायनों में मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ रिजर्वेशन देने से थोड़ी सी संभव नहीं है। अगर महिलाओं को जागरूक किया जाए, उनको अपने अधिकार के प्रति बताया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए कि आप समाज में आगे निकलिए और हर क्षेत्र तक जाइए, तो मुझे मैम लगता है कि वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। G20 का नाम यस सर, वो ग्रोइंग 20 जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो उनका एक समूह है सर। सर बेसिकली ये G20 में सर जो भी ग्रोइंग कंट्री है, जो डेवलप हो चुके हैं पहले से और अब जिनकी बारी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति हैं, वो उनका एक समूह है, और पूरे विश्व में ये इसके प्रति काम कर रहे हैं। लगभग सर 80% इकोनॉमी इनके पास में ही है सर, और मैन पावर। इस बार G20 को प्रेसिडेंसी किसके पास है? अभी सर हमारे भारत के पास भारत है। यस सर, रूस यूक्रेन जो वॉर हुआ है चल ही रहा है, यस सर, क्या कुछ इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? सर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है, क्योंकि रूस यूक्रेन में सर जहाँ पे रूस से हमारे अनाज और बहुत सारी चीज़ें आती थी, गैस आती थी, वो प्रतिबंधित हुई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भारत जो प्रेसिडेंसी भारत के पास है G20 का, तो इस संदर्भ में क्या रूस यूक्रेन वॉर का कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है? बिल्कुल सर, भारत का जी सर, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध और G20 को अगर मिलाएँ, तो जहाँ तक सर मेरा मानना है कि भारत ने उन दोनों में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई है, जिस वजह से सर पूरा विश्व हमारे तक आकर्षित हुए हैं। और ये जो सर अभी दिसंबर महीने में जो हमारे भारत में शुरू हुई G20 का बैठक, इसमें सर पूरे विश्व में पहली बार हुआ है कि टोटल 20 के 20 देश हमारे शामिल हुए हैं, कि सारे विदेश मंत्री शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ जितने भी वैश्विक संगठन हैं जैसे WHO हुए और भी जितने भी वैश्विक IMF हुए, इनके जो सदस्य हैं, जो गवर्नर हैं, जो अध्यक्ष हैं, इनके सहित करीबन 40 देशों के प्रतिनिधियों ने और संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया सर। जो कुछ स्कॉलर का मानना है कि रूस यूक्रेन वॉर के कारण जो G20 का जो प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो भारत अपने एजेंडा को फिक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुका है और G20 में जो एजेंडा फिक्स होता है वह सहमति से होता है, यहाँ पर सदस्य देश की सहमति नहीं बन पाएगा। आपको क्या लग रहा है? सर ऐसा मुझे नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष तौर पे ये देख रहे हैं कि भारत ने अपनी शुरू से नॉन अलायंस मूवमेंट के रास्ते पे चला है। ये इसलिए विश्व अभी सर दो भागों में बढ़ता दिख रहा है, बट भारत अभी किसी भी केंद्रीकृत शक्ति में शामिल नहीं हुआ है, और इसकी जो स्वतंत्र पॉलिसी है ये उस पर सर अभी तक है, जिससे पूरा विश्व सहमत है सर। अभी विधि आयोग नाम सुने सर, लॉ कमीशन का पहला लॉ कमीशन कब बना था इंडिया में? सर एग्जैक्ट मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ,
लेकिन 62वां आयोग शायद 1992 या कुछ ऐसा में बना था सर। अभी लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है? सॉरी सर, लॉ कमीशन जो है ये पब्लिक ओपिनियन मांगा है यूसीसी के संदर्भ में। यदि आपको सरकार को भेजना ओपिनियन, तो आप क्या क्या भेजेंगे? सर यूसीसी के संदर्भ में अगर मुझे ओपिनियन भेजना होगा सर, तो पहला मैं ये भेजूंगा कि जो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सही या गलत है, ऐसा किस में ये आपका ओपिनियन है ना, जैसे यूसीसी के संदर्भ में पब्लिक ओपिनियन मांगा लॉ कमीशन कि यूसीसी को लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए। यदि आप भेजना चाहेंगे तो आप क्या क्या भेजेंगे? सर मैं भेजूंगा कि इसको सर लागू करना चाहिए। क्यों लागू करना चाहिए? सर लागू करने से, क्योंकि हमारा देश हम कहीं भी देखते हैं और समझते हैं तो बस हम यही जानते हैं कि एक देश एक संविधान, हम ये शुरू से सुनते आ रहे हैं। और सर इसी में हमने जब से आज़ाद हुए हैं तब से सर हमने जीना सीखा है। और यहाँ पे चूँकि हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है सर, और हम धर्म निरपेक्ष देश हैं, लेकिन सर इसके बावजूद हमारा एक देश और एक संविधान है। तो हमें लगता है कि सर कि सभी को एक घर के नीचे अगर रहना है तो जाहिर सी बात है कि एक घर के नीचे रहना है तो उनकी एक बातें तो माननी पड़ेंगी और होनी चाहिए। यदि आपसे यूसीसी के विपक्ष में पूछा जाए, ठीक है, विपक्ष में आप कुछ बात बताइए तो क्या क्या बताना चाहेंगे? विपक्ष में अगर मैं बताना चाहूँगा सर, तो सबसे पहली बात कि सर यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग हैं जिनकी अपनी मान्यताएँ हैं, अपना सोच है, तो सर कहीं ना कहीं यूसीसी के लागू होने से इनकी उस भावना को ठेस पहुँचेगी। और सर इसके लिए कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं जिनमें सबसे प्रमुखता से यही बात आ रही है कि हमारी ये धर्म है, हमारी ये सोच है, तो हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगा। तो सर प्रमुखता से तो सर यही बात आ रही है। बिहार सरकार का एक मिशन है, मिशन इंसानियत। सर सुना सर बट रिकॉल नहीं कर पा रहे। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक सर जहाँ तक सर मैंने पहले भी पढ़ा है कि सर रिसर्च के क्षेत्र में भारत अब बहुत सारे इनिशिएट उठा रहा है, जिस प्रकार से सर इसरो ने किया है कि स्कूली बच्चों के साथ जो 6th क्लास से अबव हैं, स्कूली बच्चों के साथ अपना योगदान उन बच्चों को शामिल करने के साथ ये किया है। दूसरी चीज़ सर कि जो अभी अब 12th में पहुंच गए हैं उन्हें कुछ प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, जिस वजह से वो जो स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं उनको भेजने का, तो शायद सर इन्हीं चीज़ों से ये संबंधित हो। प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी इजिप्ट की यात्रा किए थे। यस सर, इजिप्ट भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इजिप्ट सर भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में सर पूरी तो अभी जानकारी मुझे नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे देखा नहीं था। न्यू स्टार्ट संधि का नाम है? सॉरी सर, न्यू स्टार्ट संधि नहीं। अच्छा मिस्टर राकेश। यस सर, जी बताइए कि अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया अपने जीवन में? यस, क्या क्या अचीवमेंट आपका हुआ है? जहाँ तक मुझे याद आता है सर, सबसे पहला मेरा अचीवमेंट जब मैं 10th क्लास में था तो उस समय हमारे स्कूल लेवल पर सर ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। उस ड्राइंग कंपटीशन में सर मैं थर्ड रैंक पे आया था और मुझे मुकेश खन्ना द्वारा सर एक लेटर दिया गया था, एक सर्टिफिकेट दिया गया था। तो सर सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे उस लेवल पर होती है सर, क्योंकि वो मेरा पहला अचीवमेंट था स्कूल लेवल पर, वो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था। और उसके बाद सर मैंने अपने पढ़ाई के दौरान में, जब मैं MBA में था सर, तो उस दौरान में मैंने काफ़ी कुछ करिकुलम एक्टिविटी किया था, जैसे मैंने ब्रॉडबैंड पे रिसर्च किया था, मैंने मार्केट रिसर्च किया था कि किसका मार्केट कैपेसिटी ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से मैंने कुछ किए थे रिसर्च। मैंने मेडिकल क्षेत्र में सर ट्रेनिंग किया था, उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये देखा था मार्केट में किस कंपनी की। MBA आपने किया है और बहुत सारा रिसर्च भी आपने किया, तो फिर उस फील्ड में आपको और आगे जाना चाहिए था? सर मैं गया था और काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी जॉब भी की थी सर, बट सर मेरे मन में लक्ष्य था अपने आप को सिविल सर्विस ऑफिसर देखने का, क्योंकि सर मैंने अपने पढ़ाई के दौरान में और अपने जॉब के दौरान में ये देखा था कि बहुत सारे लोगों को उनका न्याय नहीं मिल पा रहा था।
शायद वो छोटे सर दबे हुए थे। ऑडिटर बनके कैसे अपनी आय कर पाएंगे? ऑडिटर एक बहुत सुनहरा अवसर था, क्योंकि सर इसमें उन्हीं पैसों का मुझे देख रेख करना होगा जिन पैसों को गरीबों के लिए दिया गया, जिन जो सही में उनके हकदार हैं। अगर उनमें अगर मैं अपना काम सही से करूँगा सर, तो जाहिर सी बात है कि उन पैसों का लाभ उन तक जरूर पहुँचेगा, और मेरा सर ये सपना है कि उनको मिले। तो ये सर मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा था बताओ? कैसा था? कैसा था भाई पीछे? तुम लोग बताओ। बढ़िया था, बढ़िया बोल रहे। कॉन्फिडेंस तो है ही, तो उसको घबरा रहे थे बिना काम का। अच्छा है, इंट्रोडक्शन के समय बोला गया था कि बिना व्यक्तिगत जानकारी के इंट्रोडक्शन देना है, फिर भी तुमने अपना नाम उन सब बताया, है ना? तो इसको ध्यान रखना है। पूरे इंटरव्यू के दौरान देखा कि अच्छा जवाब दे रहे थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर देने के पहले पॉज लेना, ये तुम्हारे लिए है ना? पॉज लेना मतलब होता है क्वेश्चन जब पूछा गया तो एक दो सेकेंड रुकना है ना, और रुकने के बाद क्वेश्चन को समझना है, प्रोसेसिंग करना है, जब एक दो सेकेंड लगता है इतना करने में, अथवा आंसर शुरू करना है। ऐसे हड़बड़ी में क्या होता है ना, कुछ गलतियां हो जाती हैं। यस सर। ठीक है। यस। जैसे पीएचडी ने अभी तक क्या क्या किया है, ठीक है, तो तुमने कहा इन्होंने ये काम किया, इन्होंने आप तो बोल सकते थे कि हमारा डिपार्टमेंट ने ये काम किया, हमारा डिपार्टमेंट ऐसा किया, हम लोगों ने ये काम किया है। यस। ठीक है ना, ये हम की भावना होनी चाहिए, वी। ठीक है, इन्होंने किया मतलब तुम अपने आप को उसे अलग कर लिए, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अनियमितता जो है, बहुत सारी अनियमितता है, उसको रेगुलर कर दिया, फिर उसको करने में है ना, तुम कैसे करोगे इसको, ठीक करोगे, फिर मज़ा आता है काम करने में, है ना? इस उससे बचना है बोलने से। ठीक है, दूसरा है कि स्पेसिफिक कार्य क्या करेंगे। बोला गया था कि आप वहाँ जाएंगे तो क्या स्पेसिफिक करेंगे। स्पेसिफिक का मतलब होता है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया गया था क्लास में, ठीक है, कि जो डिपार्टमेंट का विजन है उसको कैसे हम लागू करेंगे। बाकी काम तो सब करेगा, ऑडिट तो सब करेगा, उसी ऑडिट के काम को हम अपने स्पेसिफिक वे में कैसे करेंगे, मेरी पर्सनल है ना कंट्रीब्यूशन क्या होगा वहाँ, जैसे ये बातें वहाँ करनी थी। दूसरा एक और था कि वीक पॉइंट मैडम ने कई बार पूछा गया था, तो वीक पॉइंट तो बोले ज़्यादा तो नहीं, परंतु ये एक लीड आंसर, लीड वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा तो नहीं, बस बोलना है, थोड़ा रुकना था, सोचना था, निगेटिव पॉइंट खोज खाच के निकालना था, उसी पता चलता है ज़्यादा तो नहीं है, यस है ना, उसको हाव भाव मिलाना है, बॉडी लैंग्वेज में लाना था उसी चीज़ को, ज़्यादा तो नहीं बोझ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है ना, दो तीन सेकंड चार सेकंड लग रहा है, मतलब नहीं ज़्यादा है, उसको बोल रहे ज़्यादा तो नहीं, ये ठीक नहीं लगता है। क्लियर है? यस सर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया तो तुम जैसे हरिमोहन जी पूछ रहे थे, तुम बोल रहे थे यस सर, ये सबसे बचना है। क्लियर है? यस। रिकमेंडेशन क्या करेंगे आप यूसीसी के लिए, तो इसलिए पॉज वाला लिखे थे, तो आप तुमको रुक कर क्या बोलना चाहिए था, तुम क्या किए, पहले शुरू कर दिए बोलना, अब बोलने के बाद जब आगे समझ में नहीं आया तो फिर रुक कर पूछते हो सर क्या चल रहा है, क्या पहचान समझ में पाया सर, नहीं समझ पाए तो पहले ही क्वेश्चन करेंगे कि पार्डन सर उसने समझ पाया। यस सर। तो कुछ देर चले फिर रुके, इसको कंट्रोल करना है। जो सब पॉजिटिव पॉइंट था उसको तो है ही, नेगेटिव वाला पॉइंट बात से बताए हैं, बाकी सब बहुत अच्छा है, तुम्हारा आंसर रहा है ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। प्रेशर वाले में भी अच्छा आंसर दिया, ठीक है, अटके वगैरह बताए, अटके वाले में हड़बड़ी में 280 बोले थे, इसलिए बोले पॉज उठना है बोलना है, बाकी पंचायत में ठीक ही बताया, वार्ड सभा एक होती है जानकारी होना चाहिए, ग्राम सभा का तो वार्ड में भी वार्ड सभा होती है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। और हॉबी वाले में चूँकि मैडम थोड़ा सा ट्रिकी करके जोड़ करके पूछ रही थी, लेकिन तुम उससे निकल गया है, अच्छा आंसर दिया। नहीं चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।